बहुत मुख्तसर से अल्फाज में मैं जो टॉपिक है उसी पे रहूंगी, रोल ऑफ पाकिस्तानी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो उन पे अगर हम बुरहान वानी जैसे लोगों की बात करते हैं, हम कई दफ़ा, बल्कि ये पिछले 2 दिनों में मैंने कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जिनमें ये बार बार कहा गया कि बुरहान वानी मिलिटेंट नहीं, फ्रीडम फाइटर थे। वेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें आप या जहाँ मर्जी देखें, अगर इंडियन लॉबी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं पाकिस्तानी कीबोर्ड जिहादीज के, तो दिल से कि बुरहान वानी वॉज अ मिलिटेंट एंड विल जस्ट से कि बुरहान वानी नहीं, फ्रीडम फाइटर था। उनके पास फैक्ट्स होंगे जो चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, फोटोग्राफ्स होंगी और कई और आर्टिकल्स वगैरह होंगे। हमारे पास क्या फैक्ट है? वेल, बुरहान वानी हैड कूल पिक्चर्स ऑन हिज शर्ट्स एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है कि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हमें क्लॉजेस दे सकती हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, वो इस तरह प्रोवाइड कर सकती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे कॉलेजेस में कुछ एक स्पेसिफिक कमेटीज कायम की जाएं जो कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दें, वैलिड इंफॉर्मेशन दें, ताकि हमारी यूथ आगे सही रिप्रेजेंट कर सके और कोई हमारे से सवाल पूछे तो हम सिर्फ ये ना कहें कि जी बस है फ्रीडम फाइटर तो है फ्रीडम फाइटर, अब कूल पिक्चर्स टी शर्ट्स पे तो बस फ्रीडम फाइटर है। सो एंड ऑफ द टॉपिक यही कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें यूथ को ताकि वो आगे उसे प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच।